वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेस्टेशनल सेक प्रेगनेंसी के पांचवें, छठे, सातवें और आठवें वीक में उसकी कंडीशन क्या होती है। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी कितने दिनों की है। उसको पता करने का एक सिंपल सा मेथड है कि आपको आपकी लास्ट पीरियड डेट का पता होना चाहिए, मतलब कि LMP डेट का पता होना चाहिए, जिसे लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट कहते हैं। सो मान लीजिए कि आपका पीरियड साइकिल 28 दिनों का है और आपने 29 दिन तक पीरियड्स आने का वेट किया जो कि नहीं आए, और आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। तो उसके बाद मान लीजिए कि आपने 30 या 32 दिन के अराउंड आपने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने पर आपको उसमें प्रेगनेंसी की पहली झलक दिखाई देगी, जिसे जेस्टेशनल सेक कहते हैं। जेस्टेशनल सेक क्या होता है? जेस्टेशनल सेक एक थैली जैसी संरचना होती है जो कि यूट्रस, मतलब बच्चेदानी में हमें दिखाई देती है जब हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये जो थैली जैसी संरचना हमें दिखाई देती है, इसमें एक टाइप का द्रव भरा होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं। इस जेस्टेशनल सैक का जो साइज़ है, अगर हम उसकी बात करें तो इसका साइज़ प्रेगनेंसी के 28 दिन के बाद 1 mm पर डे के हिसाब से इंक्रीज होता है। मतलब अगर आपको 35 दिन की प्रेगनेंसी है तो जेस्टेशनल सैक का साइज आपको 7 mm शो किया जाएगा। सो ये तो बात हो गई कि आपको प्रेगनेंसी के अलग अलग वीक्स पर जेस्टेशनल सैक का साइज कितना मेंशन किया जाता है, किस हिसाब से किया जाता है। आगे बात करें कि जेस्टेशनल सैक की जो शेप है, जो आकृति है, वो कैसी होती है। तो नॉर्मली जो जेस्टेशनल सैक है उसकी जो आकृति है वो आपको या तो गोलाकार दिखाई देती है या फिर आपको अंडाकार दिखाई देती है। अगर इससे कोई भिन्न आकृति हमें अल्ट्रासाउंड में दिखाई देती है तो इसे एक अच्छा साइन नहीं माना जाता है। ऐसी कंडीशन होने पर अल्ट्रासाउंड में आपको इरेगुलर जेस्टेशनल सैक करके मेंशन किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रेगनेंसी के शुरुआती अल्ट्रासाउंड हैं उसमें जेस्टेशनल सैक को देखकर ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि ये प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी है कि नहीं, और ये प्रेगनेंसी आगे अच्छे से ग्रो करेगी कि नहीं। पहला तो मैंने आपको ये बताया कि जेस्टेशनल सैक का साइज़ कितना होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया कि इसकी शेप कैसी होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि जेस्टेशनल सैक का साइज़ 8 mm हो गया है, तो आपको इसमें प्रेगनेंसी की दूसरी झलक, जिसे योक सैक कहते हैं, ये दिख जाना चाहिए। अगर नहीं दिखता है तो आपको इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि कभी कभी जेस्टेशनल सैक का साइज जब 18 mm तक होता है तब हमें उसमें प्रेगनेंसी की दूसरी झलक दिखाई देती है, जिसे योक सैक कहते हैं। लेकिन अगर जेस्टेशनल सैक का साइज 18 mm तक पहुंच जाए और उसमें आपको योक सैक ना दिखाई दे, तो ऐसा माना जाता है कि जो प्रेगनेंसी है वो प्रेगनेंसी फेलियर की साइड में जा रही है। ऐसे ही जब जेस्टेशनल सैक का साइज 10 mm से 18 mm तक हो जाता है तो इसमें हमें प्रेगनेंसी की तीसरी झलक दिखाई देती है, जिसे फिटल पोल कहते हैं। और अगर हमें 18 mm तक फिटल पोल नहीं दिखाई देता है तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी जेस्टेशनल सैक का साइज जब 24 mm तक हो जाता है तब हमें उसमें फिटल पोल दिखाई देता है। लेकिन अगर 24 mm तक फिटल पोल नहीं दिखाई देता तो फिर ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी फेलियर की साइड में जा रही है। लेकिन जेस्टेशनल सैक के साइज पर यह डायग्नोस करना कि प्रेगनेंसी फेलियर की साइड में जा रही है तो ये भी सही नहीं होगा,
इसके लिए आपको कुछ एडवांस टेस्ट करवाने ही पड़ते हैं। हो सकता है कि आपको ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी भी दोबारा करवानी पड़े। तो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उसके हिसाब से आप प्रेगनेंसी के विभिन्न सप्ताहों में जेस्टेशनल सैक की कंडीशन को पता कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।